ओम श्री साई राम, ओम साई रक्षक शरणम देवा। मेरे प्रिय साई भक्तों, सुनिए आज बाबा की एक और सुनहरी लीला जो मेरा अपना अनुभव है। बाबा अपने ऊपर ये उत्तरदायित्व लेते हैं और वादा करते हैं कि जब भी कोई भक्त संकट में हो और वह बाबा को याद करते हुए पुकारे, उसकी रक्षा करने के लिए बाबा हाजिर होते हैं। उन्हें भक्त के यहाँ पहुँचने के लिए किसी यातायात के साधन की ज़रूरत नहीं है। दिल से और श्रद्धा से उन्हें याद करते ही वे मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। श्री साई सच्चरित्र के माध्यम से बाबा ने यह भी अंकित किया है कि इस जग के प्रत्येक जीव राशि में उनका वास है और वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अथवा उनकी उपस्थिति का एहसास भक्त को कहीं भी किसी भी समय में हो सकता है। अक्सर बाबा का प्रेम और वात्सल्य की तुलना कछुए की प्रेम और वात्सल्य से किया जाता है। श्री साई सच्चरित्र के 18वें और 19वें अध्याय में ऐसा कहा गया है, जिस प्रकार कछुए प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हो या फिर नदी के उस पार, गुरु भी ठीक उसी प्रकार कछुए के समान की प्रेम दृष्टि ही भक्तों पे डालते हैं। श्री सद्गुरु साई बाबा ही हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं। भक्त चाहे कहीं भी रहे, बाबा की प्रेम दृष्टि उन पर पड़ती रहती है। चलिए आज की लीला का वर्णन शुरू करती हूँ। सुनंदा की ओर से आप सबको ओम साई राम। इस लीला को आप सबके साथ शेयर करने में मुझे अत्यंत आनंद मिल रहा है। इस लीला को सुनते सुनते आप इस घटना की कल्पना भी कर सकते हैं, जिससे आपको वही अनुभव होगा जो मुझे हुआ। चेन्नई तेज धूप के लिए जाना जाता है। ऐसे ही एक दोपहर को जब गर्मी बहुत तेज थी और गुरुवार का दिन था, यह लीला बाबा ने रचाई। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो साल 2007 की बात है। प्रत्येक गुरुवार के दिन मैं खीर बना के बाबा को भोग चढ़ाती हूँ। उस दिन भी बाबा की पूजा के बाद, भोग चढ़ाने के बाद, मैं कुछ पर्सनल काम से घर से निकलकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। स्कूटर को गेट से बाहर निकाला और गेट बंद करने के लिए मैं पीछे मुड़ी। गेट बंद करके जब मैं स्कूटर की तरफ दोबारा मुड़ी तो एक 6 फुट लंबे चौड़े बुजुर्ग को अपने बहुत करीब पाया। वे एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए थे और छोटी सी एक धोती, बिल्कुल आमने सामने थे। उनके चेहरे पर तेजस था और वे गोरे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी और एक लंबी दाढ़ी भी थी। उनका स्वरूप बड़ा ही दीप्तिमान था। अचानक से उन्हें देखने के कारण मैं सच में घबरा गई थी और चकित भी हो गई थी। चकित इसलिए कि गेट बंद करने और स्कूटर की तरफ घूमने के अंदर इतने कम समय में ये महान भाव कहाँ से आए। तब तक तो रास्ता सुनसान था, फिर अचानक से ये कहाँ से प्रकट हुए, ऐसे सवाल मन में उठ रहे थे मेरे। अपने आप को मैंने संभाला और उनकी ओर एक और बार देखा। वे थके हुए से लग रहे थे और धूप भी काफ़ी तेज थी। उन्होंने मुझे देखकर दोनों हाथ जोड़कर साई राम बोला। अब मैं एक और बार चकित हो गई कि वे कैसे जानते थे कि मैं साई भक्त हूँ। मैंने भी वापस उन्हें साई राम बोला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्या उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि कड़ी धूप थी और मध्यान्ह का समय भी था। उन्होंने पानी मांगा। जब ये बातें हो रही थी, मेरे मन में बाबा के शब्द याद आए। मध्यान्ह के समय अगर कोई आपके चौखट पर आता है तो उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देना चाहिए। तुरंत मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वे खाना खाएंगे। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उन्हें मैं घर के अंदर बुला लेके गई।
शक्ल सूरत से तो एक फ़कीर लग रहे थे और मुसलमान की तरह कपड़े पहने हुए थे। उन्हें मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाया और खाना परोसना शुरू किया। सच बताऊं तो मेरे अंदर दिल में ये बात चल रही थी कि एक मुसलमान को खाना खिला रही हूँ, और मुझे अपना ब्राह्मण होने का भी गर्व तथा दंभ था। मैं बहुत अभिमानी थी। मेरी यह भूल थी क्योंकि उस वक्त मैं साई भक्त में कच्ची थी, साई तत्वों से अपरिचित थी। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, और इधर ये महान भाव ने कुछ ऐसा किया कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठते हैं तो पहले पानी से खाने को 3 बार परिसेशन करते हैं, यानी कि पानी को हाथ में लेकर पत्तल या प्लेट के चारों तरफ घुमाकर फिर उसे ग्रहण करते हैं। यह क्रिया उस व्यक्ति ने किया। उसके बाद जैसे ही मैंने चावल और घी उनको परोसा तो उन्होंने 3 चुटकी घी चावल के साथ लिया और उसे भी ग्रहण किया। यह भी खाना ग्रहण करने से पहले ब्राह्मण करते हैं। मैं मंत्रमुग्ध सी हो गई। अब उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला और अपना नाम का परिचय दिया, जो हिंदू नाम था। उसके बाद गले में पहने हुए स्फटिक माला को उन्होंने मुझे दिखाया, और अंत में उन्होंने अपने जनेऊ भी दिखाया। उन्होंने कहा कि वे बेंगलोर के रहने वाले हैं और ब्राह्मण हैं। मेरी ऐसी नीची सोच को लेके मैं बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आया कि यह विचार मेरे मन में उठ रहे थे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला या पूछा था, फिर उन्हें कैसे पता चला कि ये सब मेरे दिमाग में चल रहे हैं। ये सवाल मुझे बार बार चौंका रहे थे। इतना कुछ होने के बाद वे भरपेट खाना खाए और मुझे बताया कि तिरुपति से वापस बेंगलोर जाने के समय उनका सामान चोरी हो गया था और उनके पैसे भी। अब बेंगलोर तक जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहे। अब मुझे दोबारा से कई प्रश्न सताने शुरू किए। पहला तो एक तो ये कि मेरा घर जो है वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है। दूसरा ये है कि रास्ते में कई घर भी पड़ते हैं, वे सीधा मेरे घर कैसे आए और क्यों आए। तीसरी बात यह है कि मेरा जो टाउन है वहाँ तिरुपति और बेंगलोर के बीच जाने वाली गाड़ी कोई भी नहीं रुकती, फिर ये उतरे कैसे। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझसे टिकट के पैसे मांगे, जो मेरे हाथ में थे मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन वो पूरे नहीं थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि कभी भी मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर वो निकल गए। मैं भी इसी सोच को मन में लेके अपना काम करने के लिए घर से निकली। मेरे घर से 3 घर के बाद एक और साई भक्त का घर पड़ता है। वो व्यक्ति उस घर की तरफ जा रहे थे। मैंने सोचा टिकट के पैसे कम पड़ रहे होंगे तो मांगने के लिए जा रहे हैं। मैं उस घर वालों को अच्छी तरह जानती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर उनसे पैसे दिलवा देती हूँ। मेरी दोस्त से मैंने सारी घटना का बयान किया और बाबा की बाकी के जो पैसे देने थे वो मांग के देने के लिए कहा। मेरी दोस्त ने भी उन्हें पैसे दे दिए। हम दोनों एक दूसरे से कुछ सेकंड के लिए बात कर रहे थे, तो तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो व्यक्ति जा चुके थे। मेरी दोस्त का जो घर है उसका मेन दरवाज़ा जो है, और वहाँ से लेके उनके जो गेट का जो रास्ता है या दूरी है काफ़ी लंबा है। अचानक से कोई चला नहीं जा सकता। उनके गेट पे बैठे वॉचमैन से मैंने जाके पूछा कि वो आदमी जो अंदर आया था बाहर किस तरफ गया। उस वॉचमैन ने जो जवाब दिया मैं हैरान सी हो गई। उसने कहा अंदर कोई आया ही नहीं था, सिर्फ आप ही गए थे। नया आदमी कोई आएगा तो कुत्ता भौंकेगा ही, कुत्ता था वहाँ पे। अब ये जो महानुभाव आए थे वो सच में अंतर्धान हो गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रिय साई भक्तों, क्या आप अंदाज लगा सकते हो कि मेरे मन की दशा क्या हुई होगी। शांति से जब मैंने सोचा तो टिकट का मूल्य 108 रुपया था, यानी कि 9 कुल मिलाकर। मुझसे उन्होंने 54 रुपये लिए और मेरी दोस्त से भी उन्होंने 54 रुपये लिए।
चौबन का भी कुल मिलाकर मूल्य होता है 9। अब समझ में आया कि जो महानुभाव आए थे वे साईं बाबा ही थे। मेरे घर में भोजन किया, आशीर्वाद दिया और दक्षिणा भी लेकर चले गए। मेरे अहंकार को भी नष्ट कर दिया और मुझे सच जो है उस बात का एहसास दिलाया और बाबा के तत्वों को का भी पहचान दिया। कितनी निराली और अद्भुत लीला थी साईं की। आप सब भी इस लीला को सुनने के बाद बाबा के आशीर्वाद को हासिल कीजिए। हिंदी में और ऑडियोज़ के लिए साईलीलास.com विजिट कीजिए। ओम साईं राम।